जिसको हम नेपाल कहते हैं, हमारे नेपाल के भैया हैं, वहां पर गंडकी नदी है जिसको काली नदी कहते हैं, वहीं पर शालिग्राम भगवान प्राकट्य होता है। कभी भगवान आपको अवसर दें तो अवश्य नेपाल जाइएगा। नेपाल में पशुपतिनाथ हैं, सभी जानते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपतिनाथ जो है काठमांडू के अंदर, ये पशुपतिनाथ केदारनाथ भगवान का मुख है। मुख आप जाते हैं उत्तराखंड केदारनाथ पर, तो केदारनाथ का आधा ही दर्शन प्राप्त होता है अगर पशुपति का दर्शन नहीं। यू देखे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में पशुपति नहीं आता है, क्योंकि केदारनाथ का आधा शरीर उत्तराखंड में है और मुख जो है वो नेपाल। पहले उसका नाम था नयापाल, जिसको अब हम नेपाल कहते हैं। तो वहां पशुपति भगवान का यानी भगवान शिव का सिर गिरा, तो वो सिर जो है आप देखते हैं वहां पर भगवान के स्वरूप का, मुख का ही दर्शन वहां आपको मिलता है। पांडवों की ऐसी कथा है कि पांडव एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए गए, तो भगवान शिव भैंसे का रूप बना करके वहां पर विचरने लगे उत्तराखंड में। तब पांडवों ने पकड़ा उनको पीछे से, तो उन्होंने सिर झुका लिया, तो वही सिर नेपाल में उपस्थित है पशुपतिनाथ के नाम से, और आधा भाग केदारनाथ के नाम से यहाँ उत्तराखंड में है। तो यहाँ नेपाल में जो गंडकी नदी है, जहां से शालिग्राम शिला बहकर आती है, वहां की शालिग्राम शिला यदि कोई घर में ले आए, और मैंने जैसा कि बताया ये पांच चीजें जिसके घर में हो वो घर वैकुंठ हो जाता है, पता है ना सबको, याद है। शालिग्राम शिला कहाँ की, इसी गंडकी नदी नेपाल की होनी चाहिए। अगर आपने आप जाएं तो हमेशा छोटी शिला लेकर आए, बड़े बड़े नहीं, छोटी लेकर आए, जिसको आप पूजा, ग्रस्तों के लिए बता रही हूं, मंदिर के लिए बड़ी चाहिए होती है ना, आप ग्रस्त हैं तो आपको छोटी शिला चाहिए। वो शिला ऐसी होनी चाहिए कि नदी का प्रवाह का जल उस शिला पर पड़ रहा हो। किनारे से उठाने वाली जो शिला है उसको पिंगल शिला कहते हैं, जो कि शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए हमेशा बहते हुए पानी से ही गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को उठाए। वो स्वयं शुद्ध साक्षात विष्णु है का अवतार माना जाता है, तो उसी शिला को लाकर अपने घर में रखें। तो ये पांच चीजें, शंख, गरुण घंटी, शालिग्राम शिला होनी चाहिए, तुलसी होनी चाहिए, और बाण लिंग होना चाहिए। बाण लिंग नर्मदा नदी का एक क्षेत्र है, नर्मदा नदी में जहां बाणासुर ने तपस्या की, ये कहां पड़ता है, ओंकारेश्वर में पड़ता है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने कभी सौभाग्य मिले आपको महाकाल और ओंकारेश्वर का, तो वहां आप जाइएगा, वहां आपको छोटे से शालिग बाण लिंग मिलेंगे, भोलेनाथ का स्वरूप है। वहां से नदी से उठाओ, नर्मदा जी से घर ले आओ। अन्य शिवलिंग की स्थापना करने के लिए प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, जीव बीज मंत्रों की आवश्यकता होती है प्रतिष्ठा के लिए, विधि पूजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बाण लिंग को यदि घर में लेकर स्थापित किया जाए बिना किसी मंत्र के ही, वो स्वयं में ही शिव होते हैं, तो वो घर वैकुंठ बन जाता है जिसके घर में ये पांच चीजें होती ही हैं।